और इधर बिपरजॉय तूफान के राजस्थान पहुंचने के बाद वहां के हालात बहुत खराब हो चुके हैं। जालौर जिले में बाढ़ जैसे हालात बन गए। राजस्थान में तूफान की दस्तक के साथ ही तेज हवाओं के साथ भीषण बारिश होने लगी, जिससे राजस्थान के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। जालौर जिले में सड़कों पर पानी भर गया, जिससे लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। साथ ही नदियों में उफान आने की वजह से भीनमाल और सांचौर कस्बों के बीच संपर्क टूट गया। प्रशासन ने आपदा प्रभावित इलाकों में अनाउंसमेंट कर लोगों से सुरक्षित जगह पर जाने की अपील की। आप अभी अपने सुरक्षित स्थान पर अभी चले जाइए। भीषण बारिश की वजह से जालौर के कई इलाकों में कई कई फीट पानी भर गया। 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चली हवाओं ने हालात को और ज्यादा बिगाड़ दिया। बिपरजॉय तूफान का असर राजस्थान के बाड़मेर में भी देखने को मिला और बाड़मेर में तेज हवाओं के साथ भीषण बरसात हुई, जिससे कई इलाकों में पानी भर गया। बिपरजॉय तूफान की वजह से बाड़मेर में 15 घंटों से ज्यादा बारिश हुई, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा और सेड़वा, धनाऊ, चौहटन समेत कई इलाकों में जल जमाव हो गया। इसके साथ ही कई निचले इलाकों में तो हालात और भी बदतर नजर आए। इसके साथ ही तेज हवाओं की वजह से बिजली व्यवस्था प्रभावित रही। कई जगह पर पेड़ गिरने की वजह से बिजली के खंभे गिर गए और लाइनें टूट गईं। और राजस्थान के चौहटन में बिपरजॉय तूफान का बहुत बुरा असर दिखाई दिया। भीषण बारिश की वजह से इलाके तालाब में तब्दील हो गए और लोग घरों में कैद होने के लिए मजबूर हो गए। राजस्थान के चौहटन इलाके में ज्यादातर इलाकों में जल जमाव ने हालात को बदतर बना दिया। भीषण बारिश की वजह से कई इलाके पानी में पूरी तरह से डूबे नजर आए और लोग घरों में कैद होने के लिए मजबूर दिखे। बिपरजॉय तूफान की वजह से तेज हवाओं के साथ भीषण बारिश हुई, जिसके चलते लोगों के घरों में पानी भर गया और लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। राजस्थान पहुंचे बिपरजॉय तूफान की वजह से बाड़मेर में जबरदस्त बारिश हुई है और जिसकी वजह से कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति पैदा हो गई और इलाकों में पानी भरने की वजह से बाड़मेर के कई इलाकों में लोग फंस गए। घने इलाके में ऐसे ही हालात में फंसे दर्जनों लोगों का रेस्क्यू किया गया। सिविल डिफेंस के लोगों ने भीषण बारिश के बीच फंसे लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। भीषण बारिश की वजह से कई इलाके टापू की तरह नजर आए और वहां कई कई फीट तक पानी भर गया। ऐसे इलाकों में सिविल डिफेंस के लोगों ने अभियान चलाकर लोगों को सुरक्षित जगह भेजा। और इधर बिपरजॉय तूफान ने अब बाड़मेर जिले में भी रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। चौहटन कस्बे में लगातार हो रही बारिश की वजह से 3 से 4 फीट तक पानी भर गया है। कई घरों के अंदर पानी घुसने से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आलम यह है कि घरों का सारा सामान पानी भरने से भीग गया है। तस्वीरें दिखाऊंगा, मेरे जो पांव है ये पांव नहीं दम रहे हैं, इतना स्पीड से ये पानी आ रहा है। वहीं हालात को दुरुस्त करने के लिए प्रशासन पूरी तैयारी के साथ जुटा हुआ है। तो बिपरजॉय तूफान को लेकर जारी चेतावनी के बीच नागौर में भी बारिश का दौर शुरू हो चुका है। नागौर शहर और आसपास के गांवों में कल शाम से ही लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है। कल सुबह से ही आसमान में काले बादल छाए हुए थे। दिन भर बादल छाए रहे और दोपहर बाद शाम के वक्त तेजी से बारिश हुई, जिससे इलाका जलमग्न हो गया। बिपरजॉय तूफान को लेकर नागौर समेत आसपास के इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। लोगों से अपील की जा रही है कि बिना किसी काम के घरों से बाहर ना निकले। गुजरात में बिपरजॉय तूफान प्रभावित इलाकों का दौरा करने पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हालातों की जानकारी दी और इससे पहले उन्होंने बिपरजॉय तूफान से सबसे ज्यादा प्रभावित कच्छ का हवाई दौरा किया और इस दौरान उन्होंने मांडवी के अस्पताल में घायलों से मुलाकात भी की। दौरे के बाद उन्होंने कहा कि ज्यादातर इलाकों में सभी लोग सुरक्षित हैं, कहीं भी किसी व्यक्ति की जान नहीं गई। सफलता के साथ बिपरजॉय का सामना किया है। बिपरजॉय तूफान के टकराने के बाद गुजरात में 140 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चली हवाओं की वजह से गुजरात में 234 मवेशियों की जान चली गई, जबकि 47 लोग घायल हुए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिपरजॉय तूफान का सामना कर चुके गुजरात के मुख्यमंत्री से लेकर आपदा प्रभावित इलाकों के प्रधानों का भी आभार व्यक्त किया। साथ ही उन्होंने उन संस्थाओं के सहयोग का भी धन्यवाद दिया, जिन्होंने मुश्किल वक्त में लोगों की मदद की और उन्होंने बिपरजॉय तूफान से प्रभावित किसानों से भी मुलाकात की। अमित शाह आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा करने के लिए गुजरात पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि बिपरजॉय जैसे भयंकर तूफान के गुजरात से टकराने के बाद भी हालात संतोषजनक रहे। इतने बड़े संकट में से कम नुकसान के साथ गुजरात की जनता को बाहर निकाला गया है। आपदा प्रभावित इलाकों के दौरे के दौरान अमित शाह अस्पताल में भर्ती घायलों से मिले, साथ ही उन्होंने रिलीफ कैंप का भी दौरा किया और रेस्क्यू टीम से मुलाकात की। गुजरात में बिपरजॉय तूफान की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान बिजली विभाग को पहुंचा है। आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा करने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हालात सामान्य करने की कोशिशों पर जोर दिया।
क्योंकि बिपोरजॉय तूफान की वजह से गुजरात में कई हजार बिजली के खंभे टूट गए और बिजली की लाइनों को बड़ा नुकसान पहुंचा, जिसकी वजह से कच्छ सौराष्ट्र में सैकड़ों गांवों में बिजली नहीं है और वहां सबसे बड़ी किल्लत पीने के पानी की है। अमित शाह ने इन मुश्किल हालातों को सामान्य करने पर जोर दिया। 20 तारीख की शाम तक सभी गांवों में बिजली रिस्टोर कर देना। उन्होंने बताया कि आपदा प्रभावित लोगों को जल्द से जल्द उनके घरों तक पहुंचाने की कोशिशें जारी हैं और उम्मीद जताई कि अगले दो दिन में सभी को उनके घरों तक पहुंचा दिया जाएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का ये 102वां एपिसोड होगा। आमतौर पर महीने के आखिरी रविवार को टेलीकास्ट होने वाला ये शो इस बार एक हफ्ते पहले प्रसारित हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम में इस बार रामपुर की करीब 2000 मुस्लिम महिलाएं भी नजर आएंगी। रामपुर की मुस्लिम महिलाओं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात करेंगे। प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम को लेकर मुस्लिम महिलाएं बहुत उत्साहित हैं।